समाचार पत्रों के माध्यम से एवं अन्य स्रोतों से पता चला कि रविवार को नगर पंचायत के पास एक ठेला लगाता था, शायद वो समोसा या कुछ भी बनाता था और उसके ऊपर कुछ लोगों ने गरम तेल फेंक दिया। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग बड़े व्यापारी के लिए नहीं, हमारे लिए और हमारी प्राथमिकता सबसे पहले छोटे व्यापारी है। वो समोसा का दुकान लगाता था या किसी भी चीज़ का दुकान लगाता था, है तो व्यापारी। अगर बाहर में कोई चलायमान रूप से आम बेचता है, लीची बेचता है, सत्तू बेचता है, कुछ भी बेचता है, तो व्यापार ही तो कर रहा है वो। और उसके ऊपर इस प्रकार की अगर घटना होती है तो इसकी तो हम लोग सबसे पहले निंदा करते हैं, पूरा कैट निंदा करता है। दूसरा, हम लोग मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की घटना ना हो, क्योंकि शहर के अंदर अगर चलायमान जो रोजगार करते हैं अपने आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, और उनके ऊपर अगर लेकिन इतनी बड़ी घटना इनके साथ हुई तो क्यों नहीं बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा। और अगर इनके लिए नहीं बोला जाएगा तो फिर इसका तो अर्थ यह है कि समानता समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग इसकी तीव्र निंदा करते हैं और दूसरा, प्रशासन से ये मांग रखते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो छोटे मने की व्यापारी है उनकी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जाए। प्रशासन का इकबाल जो है बुलंद हो, साथ में जो रेस्टोरेंट हैं उनके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है या इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए मैंने उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। सभी को जो है सुरक्षा की ज़रूरत है, मजबूती की ज़रूरत है और इसी की मांग हम करते हैं। और मैं आपको फिर से स्पष्ट भेजता हूँ, उनके लिए, उनकी वाजिब बातों के लिए कैट हमेशा खड़ा है और आगे भी इसी प्रकार से कैट अपनी आवाज़ को बोलता रहेगा। अपना परिचय देंगे? प्रीतम बैरोलिया, अध्यक्ष कैट जयनगर। यहाँ कैट जो है हमेशा तत्पर रहती है। कल जो घटना घटी, रविवार को जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है। सब पूरी जोर से हम लोग निंदा करते हैं और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करें। मेरा अरुण कुमार पूर्वे, महासचिव कैट।